हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न इंग्लिश विद रश्मि आशीष। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सर थॉमस कैरियो की बहुत ही बेहतरीन पोएम ट्रू ब्यूटी को पढ़ाया था। ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा कि इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को हिंदी में भी समझा दूं ताकि आप लोगों को इजीली याद हो सके। आइए सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं और इसे हिंदी में समझते भी हैं। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरियो। द ट्रू ब्यूटी पोएम का नाम है। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द फेमस लिरिक्स, लिरिक्स होता है गीत, ऑफ थॉमस कैरियो। ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियो के प्रसिद्ध गीतों में से एक है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट फिजिकल चार्म्स, रोजी चीक, स्टार लाइक आइज, डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डिके द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड आल्सो डिक्लाइंस। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट सेज दैट फिजिकल चार्म्स, कवि कहता है कि शारीरिक आकर्षण जैसे गुलाबी गाल, तारे जैसी चमकती हुई आँख, डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे समय गुजरता है तो समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। डिके मीन्स नष्ट हो जाना। एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और इन आकर्षणों के समाप्त होने के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड आल्सो डिक्लाइंस, और जैसे जैसे भौतिक सौंदर्य समाप्त होता है, प्रेमी की भावनाओं के गहरा प्रेम भी अपनी प्रेमिका के लिए समाप्त होने लगता है। On the other hand, the poet glorifies the beauty of mind and soul and praises that spiritual beauty is everlasting and it is permanent. On the other hand, दूसरी तरफ poet glorifies the beauty of mind and soul. कविता की दूसरी तरफ यानी दूसरे स्टैंजा में कवि मन और आत्मा के सौंदर्य का यश गान करता है एंड प्रेजेस और प्रशंसा करता है दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज इवर लास्टिंग, कि आध्यात्मिक सौंदर्य इवर लास्टिंग, इवर लास्टिंग मीन्स शाश्वत है एंड इट इज परमानेंट, और ये स्थाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे।